हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। होपफुली यू मस्ट हैव वॉच्ड प्रीवियस टू वीडियोस। वन इज रिलेटेड विद हैलोइन किंग्स एंड अदर इज विद एल्कोहल्स, विच आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन रीजन सीरीज। आई अर्ज यू टू वॉच दीज वीडियोस टिल एंड एंड ट्राई टू सॉल्व द रिएक्शन एज मेनी एज यू कैन। आई फील एब्सोल्यूटली कन्विंस दैट आफ्टर डू So you will feel the confidence in organic chemistry. As I have explained these reactions in a very simple language so that my students can learn these reactions easily and comfortably. So here we start. Now today in this series, we are going to take the next part, that is ethers. So first was haloalkanes, afterwards alcohols, now there is ethers. सो अगेन जल्दी से कॉपी पेन निकालो, पॉज द वीडियो, राइट डाउन द रिएक्शन एंड ट्राई टू कंप्लीट द रिएक्शन एज मेनी एज यू कैन। सो होपफुली यू हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो फ्रॉम दिस पार्ट अल्कोहल वी हैव स्टार्टेड इथेनोल। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इथेनोल। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सोडियम मेटल रिएक्शन फॉर एसिडिक एच। सो एसिडिक एच इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड। व्हेन वी एडेड हेलो एल्केन नंबर टू, इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन ईथर। दिस रिएक्शन इज पार्ट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस एंड वी गेट अनसिमेट्रिकल ईथर। On other hand, if you add sulfuric acid at what temperature? Just check 410 Kelvin. So, जो इथेनॉल है, that will be converted into symmetrical ether. तो ये दोनों में difference है. Unsymmetrical ether, तो ये वाला method सिर्फ symmetrical ether बनाएगा, और ये वाला method both symmetrical and unsymmetrical. Then fourth number. इफ वी आर एडिंग सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर हमने स्टार्ट करा है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, दिस इज सेकेंडरी, द प्रोडक्ट इज एल्कीन प्लस ईथर, और एल्कीन विल बी कंपैरेटिवली मेजर। तो यहाँ पे दिस हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस अल्कोक्सी ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप टर्शरी अल्काइल हेलाइड ले रहे हो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज और ओनली प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एल्कीन अलोंग विद सोडियम ब्रोमाइड एंड एसिडिक एच इज टेकन बाय CH3CH2। और अगर आपने हेलोएरीन डाला सोडियम एल्कोक्साइड में, देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, सो इट विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now again this is the second step, this is the second category, again pause the video। तो ये हमारे पास different different substrates given है, note down the reactions complete and quickly check। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, नंबर वन एंड तक जरूर देखना है और चेक करना है एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट दे आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द कमिंग बोर्ड्स एग्जामिनेशन एज वेल एज योर कॉम्पिटिशन। सो ये अपने पास ईथर, तो जब हमने एच बी आर डाला तो क्या बन गया? तो ये बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, तो इसमें मैंने क्लीवेज नहीं करवाई, इट फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट, ओ एच बी आर नेगेटिव सॉल्ट बन गया, दिस इज सॉल्ट इज फॉर्म्ड। और अगर आपने एच बी आर को हाई टेम्परेचर पे डाला, इट क्लीव्स, और हेलोजन कहाँ पे जाएगा? स्मॉलर चेन के साथ, दिस फॉलो एसएन टू मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट, और दूसरा पार्ट, ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल। अब अगर एक चेन टर्शरी है और एच बी आर और एच आई कुछ भी ले सकते हो, हीट करा, तो यहाँ पे अल्काइल हेलाइड किसका फॉर्म करेगा? टर्शरी, और दूसरा क्या बनेगा? अल्कोहल। यस बेटा, अगर आप न्यू हो इस चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट यू विल गेट द न्यू वीडियोस एंड यू विल गेट नोटिफिकेशन आल्सो इफ यू प्रेस बेल आइकन।
और अगर अपने पास ईथर ये है, एक तरफ एरोमेटिक एक तरफ एलिफेटिक, HI या HBr 373 केल्विन हीट किया तो प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट यहाँ से क्लीव करेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यू गेट फिनोल एंड आयलो इथेन। नाउ यू कैन चेक द मार्क्स, होपफुली यू लाइक द वीडियो, सो डोंट मिस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।